हेलो गेमर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हमारा होने वाला है सेकंड एपिसोड ऑफ माइनक्राफ्ट। इस एपिसोड में हम बनाने वाले हैं हमारे लिए एक अच्छा सा सुंदर सा घर। तो भाई, मैंने ऑफलाइन जगह थोड़ी प्रोग्रेस की, मैंने बहुत सारे कॉबल स्टोन्स और अलग अलग तरह के स्टोन्स कलेक्ट करके आया हूँ। तो चलो चालू करते हैं। तो हाँ, तो हम फटाफट जाके, और भाई लास्ट एपिसोड में मैंने अच्छे से विलेजर्स के घर देखे नहीं थे, एक बार देख लेते पूरे में कि भाई कुछ मिल जाए। ओ भाई, ओपी डायमंड मिल चुके भाई हमको यहाँ पे, और थोड़े से गोल्ड भी मिल चुके। ओ भाई क्या लक है भाई, हमको आज डायमंड मिल चुका है। क्या ओपी चीज़ हुई है भाई हमारे साथ, हमको आज डायमंड मिल चुका है यार। हम इसे स्वॉर्ड बना सकते हो, पर मैं स्वॉर्ड नहीं बनाने वाला हूँ। हम कभी और दिन जाएंगे माइन करने, एक और डायमंड लेके आएंगे, उससे पिकेक्स बनाएंगे। ये क्या चीज़ है, ब्रूइंग स्टैंड लगता है। क्या चीज़ है, हाँ ब्रूइंग स्टैंड, इसको भी रख के रखते हैं, क्या पता कुछ काम आ जाए। कुछ नहीं है यहाँ पे, इतना बड़ा टावर खाक बना के रखा है यार इन लोगों ने। इतने बड़े टावर में कुछ नहीं था यार, सी ऐसा घटिया सा ब्रूइंग स्टैंड मिल गया। क्या यार, क्या टाइम पास है। तो फटाफट हम पहले घर पे जाते हैं हमारे भाई। हमने घर बनाया ही नहीं है, पहली बात हमको बनाना है। अभी तो शाम होने वाली है, कल सुबह हम बनाने वाले हैं हमारा घर। तो पहले हम फटाफट जाके सो जाते हैं, इनके किसी बेड पे सो जाते हैं। गुड मॉर्निंग, उठ गए। इसके घर पे तो कुछ नहीं ना भाई। ओ चेस्ट, एमरल्ड्स मिले, अच्छी बात है। थोड़े पोटैटोस मिल गए, 64 पोटैटोस हो गए। थोड़े एप्पल भी मिल गए भाई। खाने पीने की तो हमारे पास कोई कमी नहीं होने वाली है। एक मिनट, मुझे एक चीज़ देखनी थी। एक मिनट, मुझे क्राफ्टिंग टेबल हाथ में लेने दो एक मिनट। और ये हे बेल्ट मेरे पास आए थे, जिससे मैं हे बनाता हूँ। पहले ये काम फटाफट कर लेते भाई। कितने स्टैक आएंगे ओपी भाई। अभी हमको ब्रेड बनाना है, तो ब्रेड किधर से बनेगा। हाँ, 100 से ऊपर ब्रेड होने वाले हमारे पास अभी। ओ ब्रेड बन जा, ब्रेड बन जा, टाइम लगेगा यार। बन चुका है भाई, बहुत अच्छे से खासे ब्रेड बन चुके हैं। हाँ, मैं आपको बोल रहा था कि मैं बहुत सारे पत्थर लेके आऊँ। हाँ, एक डायोराइट और एक कॉबल स्टोन लेके आ रहा हूँ। डायोराइट से हम बना सकते हैं, एक मैं आपको दिखा देता हूँ। ऐसे ऐसे और ऐसे तो बनता है एक पॉलिश डायोराइट, जो भाई मुझे बहुत पसंद लगता है घर पे बनाने के लिए। घर को बहुत ओपी दुख देगा हमारी। टोटल 64 हो चुका है, ये भी लेके चल देना हमारा। थोड़ी भूख लग रही है, खाना खा लेते पहले। और विलेजर क्या कर रहा है, ये कुछ ट्रेड करेगा क्या? नहीं, खाली विलेजर है, ये ट्रेड करेगा भाई। 3 एमरल में हमको एक आयरन की एक्स दे रहा है। हमारे एमरल कितने हमारे पास, एमरल किधर है? ओ भाई तुमको ट्रेड कैसे दे रहा है, अच्छा है। हाँ इधर है, नहीं लेना है भाई, भग हमारे एमरल इसमें ख़राब नहीं करने वाले। ये घर थोड़ा अच्छा लग रहा है, यहाँ पे ऊपर सीढ़ी भी है, चेक कर लेते भाई। मालूम पड़ा ऊपर कुछ निकल गया तो चेस्ट वेस्ट। अरे यार, मे बी का टाइम पास। चलो हम घर बनाने का प्रतिक्रिया चालू करते घर बनाने की। तो पहले तो मुझे जगह ढूंढनी होगी भाई। मुझे जगह ऐसी थी है, सामने खुला खुला मैदान पड़ा हुआ है, इधर एक बना लेते हैं। हाँ भाई, यहाँ पे बहुत बड़ा मैदान है। मैं पूरे जगह को थोड़ा खाली कर देता हूँ। बस 100 है क्या? हाँ मैं बस 100 है, वुड की है, चलेगा। 100 क्या यार, शवल मैं भी 100 बोल रहा हूँ। हाँ भाई, थोड़ी डर्ट आई होगी, डर्ट की उधर लेते हैं और थोड़ा यहाँ पे मार देते कि
डर्टी खत्म हो गई। व्हाटएवर, डर्ट कलेक्ट कर लेते पहले और पूरे एरिया को कवर अप कर देते। यहाँ पे भी थोड़े हैं, खत्म हो गए यार। हाँ अभी ये बहुत ज़्यादा प्लेन एरिया हो गए, तो चलो पहले मैं ले लेता हूँ पॉलिश टायराइट्स, यहाँ पे ले लेता हूँ फटाक से, और हमारा पहले मेन सेंटर पॉइंट बनाते हैं, मतलब पत्थर का ओपी दुख दे रहे ना। हम हमारे घर को है ना एल शेप देंगे, एल शेप। एल शेप से बहुत ओपी लगेगा। और थोड़ा बढ़ाओ, कितना ही सही है, इतना ही सही है भाई। लगता है कमी होने वाली है, कमी होगी तो फटाफट मैं लेके आ जाऊंगा। मैं भी गलत गलत जगह रख रहा हूँ यार, पिकैक्स की हालत जा रही है। हालत क्या, हेल्थ। हाँ तो इतना भी तो वुड से कर लेते हैं, तो बड़ा घर हमारा सही है। और थोड़ी अभी माइनिंग करने चलते हैं। मैंने यहाँ पे एक बनाया था, वहाँ बहुत सारे डायराइट्स थे तो मैंने उसको ऐसा रख दिया था कि भाई कमी पड़ी तो इधर ही आके ले लूँगा। आइए रहा, भाई कुछ आवाज़ आई ना बैकग्राउंड से डरावनी सी, पहले हम इसको ले लेते हैं। डायरेक्ट्स बहुत सारे यहाँ पे, कमी है यहाँ डायरेक्ट्स की, तो पूरे में डायरेक्ट्स नहीं लगाने वाले हम, कुछ फायदा नहीं होने वाला यार। यहाँ पे कुछ नहीं है, ऊपर है थोड़े, इसको ले लेते हैं। इतने में से कुछ नहीं होने वाला है, फटाफट होल्ड रख के ऊपर चले जाता हूँ। पर क्या है डैड, मुझे कोई दूसरी जगह से एक और एक माइंड ढूंढनी होगी, वहाँ से डायरेक्ट मिलेगा। क्योंकि मैं ऐसा रखने वाला हूँ, पहले मैं डायरेक्ट केक लूँगा, फिर मैं, अभी मेरे पास कोल नहीं है, थोड़े टाइम के बाद मैं जब कोल लेके आ जाएगा तो मैं ग्लास का लेन बनाऊँगा, फिर एक मैं वुड का लिंक बनाऊंगा, उसके बाद में डायरेक्ट का लिंक बनाऊंगा। तो भाई मुझे बहुत सारा डायरेक्ट चाहिए रहेगा, शायद एक और स्टैक चाहिए रहेगा मुझे डायरेक्ट्स का। तो भाई मुझे ढूंढ के आना पड़ेगा किधर मिलेगा यार डायरेक्ट्स। भाई अभी मुझे कैसे मिला था, अभी तो भाई मैंने ऐसे किधर भी डिग कर दिया था तो उधर मुझे डायरेक्ट मिल गया था। एक बार इधर डिग करके देखता हूँ, स्टोन मिला अभी तो। भाई डायरेक्ट्स की तो बहुत ज़्यादा कमी हो रही है यार, किधर भी डायरेक्ट्स नहीं है यार। भाग क्या करेंगे यार, डायरेक्ट्स नहीं मिलेगा तो पूरा लुक खराब हो जाएगा घर का। अरे यार डायरेक्ट्स किधर से ढूंढू, यहाँ पे किधर डायरेक्ट्स है। हेलो डायरेक्ट्स, हेलो तुम कहाँ हो। भाई वो शिप को देख रहे हो, अच्छा दो शिप है,
लैग हो रहा था वहाँ पे भाई साहब, ग्लिच हुआ था। और मुझे लगा दो दो कलर की है। ओ भाई ये क्या चीज़ है, ये क्या है, ये क्या है, ये हनी भी है। अरे भाई क्या क्यूट है, अंदर चली गई इसके। भाई इसको तोड़ दूँ, कुछ होगा तो नहीं ना, गुस्सा तो नहीं हो जाएंगे कुछ। भाई सामने केव भी मिल चुके हैं। भाई हनी भी मिला, एक बहुत रेयर होता है क्या? अब मुझे कमेंट्स में बताओ कि रेयर होता है कि इधर भी मिल जाता है। भाई का सुंदर सा है ना, मैं थोड़ा रिसर्च करता हूँ फिर आपसे मिलता हूँ। तो हाँ गाइस, मैंने थोड़ा रिसर्च कर दिया इसके बारे में, तो ये बता रहे हैं कि इसको गलती से भी हाथ मत लगा देना, अगर ये टूट गया तो हनी भी पागल होता है, हमको जान से मार के ही रहेगी। और इसको लेने के लिए हमको सिलेक्ट टच की पिकेक्स चाहिए रहेगी। ओ भाई आयरन मिल चुका है यहाँ पे, ओपी यार। आज का एपिसोड घर बनाने का था यार, पर मटेरियल्स नहीं मिल रहे यार। शायद से आज का एपिसोड बहुत लंबा होने वाला है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं रिकॉर्डिंग पॉज कर लेता हूँ और मैं आपको मिलता हूँ जब मेरे पास एफिशिएंट चीज़ें हो जाएगी घर बनाने के लिए। ओके, तो हाँ भाई मैंने सब चीज़ें कलेक्ट कर ली है। मुझे थोड़ा सा आयरन भी मिला था, उससे मैंने एक पिकैक्स और एक एक्स बनाई है। मुझे बाद में थोड़ा वुड भी कलेक्ट करना है, क्योंकि भाई मैं सोच रहा हूँ भाई मुझे एक काम करना चाहिए। मुझे तो अभी थोड़ा कोल तो मिला है, थोड़ा सा ही है, तो मैं क्या करता हूँ, बहुत थोड़ा है भाई, थोड़ा सा क्या, एक काम करता हूँ मैं इसे चारकोल बना लेता हूँ। भाई चारकोल भी यही रहता है, चारकोल से उसको वुड लॉग्स रहते हैं, उसको हम अगर जलाएंगे तो चारकोल निकलता है। भाई चारकोल भी सेम ही रहता है, उससे हम फूड कुक कर सकते हैं, स्मेल्ट कर सकते हैं, सब कर सकते हैं, एकदम सेम ही रहता है। और उससे हम लोग टॉर्चेस भी बना सकते हैं, तो भाई कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, बस कोल और चारकोल में ज़रा कुछ फ़र्क नहीं होता है। तो भाई मैं बहुत सारा लेके आ गया हूँ मटेरियल्स बनाने के लिए, तो हमको एक लेन खाली रखनी है, ऊपर से बस चालू करना है। भाई ऊपर हम रखेंगे, भाई वुड ही नहीं है, तो एक काम करते हैं, ऊपर हम रखते हैं ये कॉबलस्टोन, लगते ऊपर कॉबलस्टोन लगाना चालू करते हैं। और जो ये खाली खाली जगह है बीच में, उसको हम बाद में फिल कर देंगे। कॉबलस्टोन ख़त्म हो गया, एक और एक स्टैक है, टेंशन नहीं है, तो वापस काम चालू करते हैं। एक ज़्यादा हो गया भाई, मैं इतने भाई मालूम है आपको, एक दिन गुजर गया मतलब माइनक्राफ्ट में, तब इतना मटेरियल कलेक्ट कर पाया हूँ। अभी ख़त्म मत हो जाना भाई प्लीज़, भाई लगता है मुझे ख़त्म हो जाएगा ये। नहीं ख़त्म नहीं होगा, इसके बाद में हमको एक घंटा जाके माइनिंग तो करनी पड़ेगी भाई, ये तो सब सामान ही जाएगा अपना, इतना नुकसान हो रहा है घर वाना। पर भाई एक बार घर में बन जाएगा तो फिर टेंशन नहीं रहेगी ना। तो देखो मैं डर्ट से ये बना लेता हूँ, लैडर बना लेता हूँ, एक नंबर। तभी मैंने क्या सोचा था, हाँ तभी हमको एक और स्टैक ऊपर लगेगा ना, तो एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, तभी चालू कर देते वापस काम। भाई काम तो बैठ जाता हूँ, आराम आराम से काम करेंगे, बस अच्छा काम करेंगे। भाई मैं फ्लोरिंग के लिए भी बहुत अच्छा सा एक लेके आया हूँ स्टोन, भाई लोग तो कोबल स्टोन को स्मेल्ट कर
करने के लिए स्मूथ स्टोन बनाते हैं, फिर ब्रिक्स बनाते हैं। इतना मेहनत कौन करेगा भाई, उससे अच्छा तो ये सब ब्लॉक्स रहते हैं भाई। इतने सब लोग ना ये ब्लॉक्स को फेंक देते हैं ऐसा बोल के कि भाई बहुत बेकार ब्लॉक्स है ये, क्या इसको इसने बैग पे क्यों रखा है, क्या पागल जैसा ब्लॉक्स है भाई। यही ब्लॉक्स हम बनाने वाले हैं और भाई बहुत ओपी लगने वाला है भाई। हाँ तो हम लोग करते हैं भाई, लोग इतना स्मेल्ट वेल्ट करके करते हैं, हम भाई यही मटेरियल से बहुत ओपी घर बनाने वाले हैं। गाय की आवाज़ आ रही है भाई, बहुत ज़्यादा है, कम पड़ जाएगा मुझे लग रहा है। कितना बाकी है, बहुत बाकी है। गलत लगिया, ये गलत लगिया। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं पूरा घर बना लेता हूँ फुल्ली, फिर आपसे मिलता हूँ। ओके हेलो गेमर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हमारा होने वाला है सेकंड एपिसोड ऑफ माइनक्राफ्ट। इस एपिसोड में हम बनाने वाले हैं हमारे लिए एक अच्छा सा सुंदर सा घर। तो भाई मैंने ऑफलाइन जगह थोड़ी प्रोग्रेस की, मैंने बहुत सारे कॉबल स्टोन्स और अलग अलग तरह के स्टोन्स कलेक्ट करके आया हूँ। तो चलो चालू करते हैं। तो हाँ, तो हम फटाफट जाके, और भाई लास्ट एपिसोड में मैंने अच्छे से विलेजर्स के घर देखे नहीं थे, एक बार देख लेते पूरे में कि भाई कुछ मिल जाए। ओ भाई ओपी डायमंड मिल चुके भाई हमको यहाँ पे, और थोड़े से गोल्ड भी मिल चुके। ओ भाई क्या लक है भाई, हमको आज डायमंड मिल चुका है। क्या ओपी चीज़ हुई है भाई हमारे साथ, हमको आज डायमंड मिल चुका है यार। हम इसे स्वॉर्ड बना सकते हैं, पर मैं स्वॉर्ड नहीं बनाने वाला हूँ। हम कभी और दिन जाएंगे माइन करने, एक और डायमंड लेके आएंगे, उससे पिकेक्स बनाएंगे। ये क्या चीज़ है, ब्रूइंग स्टैंड लगता है, क्या चीज़ है। हाँ ब्रूइंग स्टैंड, इसको भी रख के रखते हैं, क्या पता कुछ काम आ जाए। कुछ नहीं रहा यहाँ पे, इतना बड़ा टावर खाक बना के रखा है यार इन लोगों ने। इतने बड़े टावर में कुछ ही नहीं था यार, सी ऐसा घटिया सा ब्रूइंग स्टैंड मिल गया। क्या यार क्या टाइम पास है। तो फटाफट हम पहले घर पे जाते हैं हमारे भाई, हमने घर बनाया ही नहीं है पहली बात, हमको बनाना है। अभी तो शाम होने वाली है, कल सुबह हम बनाने वाले हैं हमारा घर। तो पहले हम फटाफट जाके सो जाते हैं, इनके किसी बेड पे सो जाते हैं। गुड मॉर्निंग, उठ गए। इसके घर पे तो कुछ नहीं ना भाई। ओ चेस्ट, एमराल्ड्स मिले, अच्छी बात है। थोड़े पोटैटोस मिल गए, 64 पोटैटोस हो गए, थोड़े एप्पल भी मिल गए भाई। खाने पीने की तो हमारे पास कोई कमी नहीं होने वाली है। एक मिनट मुझे एक चीज़ देखनी थी, एक मिनट मुझे क्राफ्टिंग टेबल हाथ में लेने दो एक मिनट। और ये हे बेल्ट मेरे पास आए थे जिससे मैं हे बनाता हूँ, पहले ये काम फटाफट कर लेते भाई। कितने स्टैक आएंगे ओपी भाई। अभी हमको ब्रेड बनाना है, तो ब्रेड किधर से बनेगा। हाँ 100 से ऊपर ब्रेड होने वाले हमारे पास अभी। ब्रेड बन जा, ब्रेड बन जा, टाइम लगेगा यार। बन चुका है भाई, बहुत अच्छे से खासे ब्रेड बन चुके हैं। हाँ मैं आपको बोल रहा था कि मैं बहुत सारे पत्थर लेके आऊँ। हाँ एक डायोराइट और एक कॉबल स्टोन लेके आ रहा हूँ। डायोराइट से हम बना सकते हैं, एक मैं आपको दिखा देता हूँ, ऐसे ऐसे और ऐसे, तो बनता है एक पॉलिश डायोराइट, जो भाई मुझे बहुत पसंद लगता है घर पे बनाने के लिए। घर को बहुत ओपी दुख देगा हमारी। टोटल 64 हो चुका है, ये भी लेके चलते ना हमारा। थोड़ी भूख लग रही है, खाना खा लेते पहले। ओए विलेजर क्या कर रहा है, एक को ट्रेड करेगा क्या, नहीं खाली विलेजर है ये, ट्रेड करेगा भाई। 3 एमरल्ड में हमको एक आयरन की एक्स दे रहा है। हमारे एमरल्ड कितने हमारे पास, एमरल्ड किधर है। ओ भाई तुमको ट्रेड कैसे दे रहा है, अच्छा है। हाँ इधर है, नहीं लेना है भाई, भक्त हमारे एमरल्ड इसमें ख़राब नहीं करने वाले।
ये घर थोड़ा अच्छा लग रहा है। यहाँ पे ऊपर सीढ़ी भी है, चेक कर लेते भाई। मालूम बड़ा ऊपर कुछ निकल गया तो चेस्ट वेस्ट। अरे यार मे भी क्या टाइम पास। चलो हम घर बनाने का प्रतिक्रिया चालू करते घर बनाने की। तो पहले तो मुझे जगह ढूंढनी होगी भाई। मुझे जगह ऐसी थी है सामने खुला खुला मैदान पड़ा हुआ है, इधर एक बना लेते हैं। हाँ भाई यहाँ पे बहुत बड़ा मैदान है। मैं पूरी जगह को ऊपर थोड़ा खाली कर देता हूँ। ये बस 100 है क्या? हाँ मैं बस 100 है, वुड की है, चलेगा। 100 क्या यार शवल, मैं भी 100 बोल रहा हूँ। हाँ भाई थोड़ी डर्ट आई होगी, डर्ट की लेते हैं और थोड़ा यहाँ पे मार देते कि डर्ट ही खत्म हो गई। फटाफट डर्ट कलेक्ट कर लेते पहले और पूरे एरिया को कवर अप कर देते हैं। यहाँ पे भी थोड़े हैं, खत्म हो गए यार। हाँ अभी ये बहुत ज़्यादा प्लेन एरिया हो गए। तो चलो पहले मैं ले लेता हूँ पॉलिश टायराइट्स, यहाँ पे ले लेता हूँ फटाक से। और हमारा पहले मेन सेंटर पॉइंट बनाते हैं, मतलब के पत्थर का ओपी दुख दे रहे ना। हम हमारे घर को है ना एल शेप देंगे, एल शेप। एल शेप से बहुत ओपी लगेगा। और थोड़ा बढ़ाओ, कितना सही है, इतना ही सही है भाई। लगता है कमी होने वाली है, कमी होगी तो फटाफट मैं लेके आ जाऊंगा। मैं भी गलत गलत जगह रख रहा हूँ यार। पिकैक्स की हालत जा रही है, हालत क्या हेल्थ। हाँ तो इतना अभी तो वुड से कर लेते हैं। तो बड़ा घर है हमारा, सही है। और तो ये अभी माइनिंग करने चलते हैं। मैंने यहाँ पे एक बनाया था, वहाँ बहुत सारे डायराइट्स थे तो मैंने उसको ऐसा रख दिया था कि भाई कमी पड़ी तो इधर ही आके ले लूँगा। आइए रहा, भाई कुछ आवाज़ आई ना बैकग्राउंड से डरावनी सी। भैया हम इसको ले लेते हैं, डायरेक्ट्स बहुत सारे यहाँ पे। कमी है यहाँ डायरेक्ट्स की, तो पूरे में डायरेक्ट्स नहीं लगाने वाले हम, कुछ फायदा नहीं होने वाला यार। यहाँ पे कुछ नहीं है, ऊपर है थोड़े, इसको ले लेते हैं। इतने में से कुछ नहीं होने वाला है, फटाफट होल्ड रख के ऊपर चले जाता हूँ। पर क्या है डैड, मुझे कोई दूसरी जगह से एक और एक माइंड ढूंढनी होगी, वहाँ से डायरेक्ट मिलेगा। क्योंकि मैं ऐसा रखने वाला हूँ, पहले मैं डायरेक्ट केक लूँगा, फिर मैं, अभी मेरे पास कोल नहीं है। थोड़े टाइम के बाद मैं जब कोल लेके आ जाएगा तो मैं ग्लास का लेन बनाऊँगा, फिर एक मैं वुड का लिंक बनाऊंगा, उसके बारे में डायरेक्ट का लिंक बनाऊंगा। तो भाई मुझे बहुत सारा डायरेक्ट चाहिए रहेगा, शायद से एक और स्टैक चाहिए रहेगा मेरे डायरेक्ट्स का। तो भाई मुझे ढूंढ के आना पड़ेगा किधर मिलेगा यार डायरेक्ट्स। भाई अभी मुझे कैसे मिला था, अभी तो भाई मैंने
ऐसे किधर भी डिक कर दिया था तो उधर मुझे डायरेक्ट मिल गया था। एक बार इधर डिक करके देखता हूँ, स्टोन मिला भी था। पर डायरेक्ट्स की तो बहुत ज़्यादा कमी हो रही है यार, किधर भी डायरेक्ट्स नहीं है यार। भाग क्या करेंगे यार, डायरेक्ट्स नहीं मिलेगा तो पूरा लुक खराब हो जाएगा घर का। अरे यार डायरेक्ट्स किधर से ढूंढू, यहाँ पे किधर डायरेक्ट्स है? हेलो डायरेक्ट्स, हेलो तुम कहाँ हो? भाई उस शिप को देख रहे हो? अच्छा दो शिप है, लैग हो रहा था वहाँ पे भाई साहब, ग्लिच हुआ था। अब मुझे लगा दो दो कलर की है। ओ भाई ये क्या चीज़ है, ये क्या है, ये क्या है, ये हनी भी है भाई, क्या क्यूट है। अंदर चली गई इसके भाई, इसको तोड़ दूँ, कुछ होगा तो नहीं ना, गुस्सा तो नहीं हो जाएंगे कुछ भाई। सामने केव भी मिल चुकी है भाई, हनी भी मिला। एक बहुत रेयर होता है क्या? अब मुझे कमेंट में बताओ कि रेयर होता है कि इधर भी मिल जाता है भाई का। सुंदर सा है ना, मैं थोड़ा रिसर्च करता हूँ फिर आपसे मिलता हूँ। तो हाँ गाइस, मैंने थोड़ा रिसर्च कर दिया इसके बारे में, तो ये बता रहे कि इसको गलती से भी हाथ मत लगा देना, अगर ये टूट गया तो हनी भी इस पागल होता है, हमको जान से मार के ही रहेगी। और इसको लेने के लिए हमको सिलेक्ट टच की पिकेक्स चाहिए रहेगी। ओ भाई आयरन मिल चुका है यहाँ पे, ओपी यार। आज का एपिसोड घर बनाने का था यार, पर मटेरियल्स नहीं मिल रहे यार। शायद से आज का एपिसोड बहुत लंबा होने वाला है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं रिकॉर्डिंग पॉज कर लेता हूँ और मैं आपको मिलता हूँ जब मेरे पास एफिशिएंट चीज़ें हो जाएगी घर बनाने के लिए। ओके तो हाँ भाई, मैंने सब चीज़ें कलेक्ट कर ली है, मुझे थोड़ा सा आयरन भी मिला था, उससे मैंने एक पिकैक्स और एक एक्स बनाई है। मुझे बाद में थोड़ा वुड भी कलेक्ट करना है, क्योंकि भाई मैं सोच रहा हूँ भाई मुझे एक काम करना चाहिए। मुझे अभी थोड़ा कोल तो मिला है, थोड़ा सा ही है, तो मैं क्या करता, बहुत थोड़ा है भाई, थोड़ा सा क्या, एक काम करता हूँ मैं इसे चारकोल बना लेता हूँ भाई। चारकोल भी यही रहता है, चारकोल से उसको वुड लॉग्स रहते हैं, उसको हम अगर जलाएंगे तो चारकोल निकलता है भाई। चारकोल भी सेम ही रहता है, उससे हम फूड कुक कर सकते हैं, स्मेल्ट कर सकते हैं, सब कर सकते हैं, एकदम सेम ही रहता है। और उससे हम लोग टॉर्चेस भी बना सकते हैं, तो भाई कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, बस कोल और चारकोल में ज़रा कुछ फ़र्क नहीं होता है। तो भाई मैं बहुत सारा लेके आ गया हूँ मटेरियल्स बनाने के लिए, तो हमको एक लेन खाली रखनी है, ऊपर से बस चालू करना है भाई। ऊपर हम रखेंगे भाई, वुड ही नहीं है तो एक काम करते हैं, ऊपर हम रखते हैं ये कॉबलस्टोन लगते, ऊपर कॉबलस्टोन लगाना चालू करते हैं। और जो ये खाली खाली जगह है बीच में, उसको हम बाद में फिल कर देंगे। कॉबलस्टोन ख़त्म हो गया, एक और एक स्टैक है, टेंशन नहीं है, तो वापस काम चालू करते हैं। एक ज़्यादा हो गया भाई, मैं इतने भाई मालूम है आपको, एक दिन गुजर गया मतलब माइनक्राफ्ट में, तब इतना मटेरियल कलेक्ट कर पाया हूँ। अभी ख़त्म मत हो जाना भाई प्लीज़ भाई, लगता है मुझे ख़त्म हो जाएगा ये। नहीं ख़त्म नहीं होगा, इसके बाद में हमको एक घंटा जाके माइनिंग तो करनी पड़ेगी भाई, ये तो सब
सब सामान ही जाएगा अपना, इतना नुकसान हो रहा है घर बना पर। भाई एक बार घर बन जाएगा तो फिर टेंशन नहीं रहेगी ना। तो देखो मैं डर्ट से ये बना लेता हूँ, लैडर बना लेता हूँ। एक नंबर। तभी मैंने क्या सोचा था, हाँ तभी हमको एक और स्टैक ऊपर लगेगा ना, तो एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तभी चालू कर देते वापस काम। भाई एक काम तो बैठ जाता हूँ, आराम आराम से काम करेंगे, बस अच्छा काम करेंगे। मैं फ्लोरिंग के लिए भी बहुत अच्छा सा एक लेके आया हूँ स्टोन। भाई लोग तो कोबल स्टोन को स्मेल्ट करने के लिए स्मूथ स्टोन बनाते हैं, फिर ब्रिक्स बनाते हैं। इतना मेहनत कौन करेगा भाई, उससे अच्छा तो ये सब ब्लॉक्स रहते हैं। भाई इतने सब लोग ना ये ब्लॉक्स को फेंक देते हैं ऐसा बोल के कि भाई बहुत बेकार ब्लॉक्स है ये, क्या इसको इतने बैक पे क्यों रखा है, क्या पागल जैसा ब्लॉक्स है। भाई यही ब्लॉक से हम बनाने वाले हैं और भाई बहुत ओपी लगने वाला है। भाई हाँ तो हम लोग करते हैं। भाई लोग इतना स्मेल्ट वेल करके करते हैं, हम भाई यही मटेरियल से बहुत ओपी घर बनाने वाले हैं। गाय की आवाज़ आ रही है भाई, बहुत ज़्यादा है, कम पड़ जाएगा मुझे लग रहा है। कितना बाकी है, बहुत बाकी है। गलत लग गया, ये गलत लग गया। तो भाई मैं एक काम करता हूँ, मैं पूरा घर बना लेता हूँ फुल्ली, फिर आपसे मिलता हूँ। ओके बन गया है हमारा ये घर जो भाई मैंने बहुत सारा मेहनत से बनाया। मैंने पहले वापस माइनिंग करने गया, मैं पहले फिर वहाँ से मैं अलग जो वाइट कलर के जो स्टोन्स उसको वापस लेके आया, बहुत सारे कॉबर स्टोन भी कलेक्ट किए। भाई मुझे इतनी बड़ी माइन मिली थी, उसमें मुझे शायद से 1.5 स्टैक आयरन मिला और हाफ स्टैक मुझे गोल्ड भी मिल चुका है। भाई क्या ज़बरदस्त माइनिंग की है, 2 स्टैक कोल, बहुत सारा हमने माइनिंग की थी। मैं कुछ 4 घंटे लगातार खेल रहा था मैं, भाई मैंने पूरा कर दिया। उसके बाद मैंने घर भी पूरा बना लिया है और भाई मैं पहले टॉर्च लगाने का सोच रहा था पर अच्छा नहीं लगा, तो इसलिए मैंने ये रख दिया, लैंटर्न्स रख दिए जो भाई बहुत अच्छा लुक दे रहे हैं। अभी मुझे वापस इसको खोद के नीचे जाना पड़ेगा। अरे यार पिकेक्स लाना भूल गया, चलो कूद जाते हैं, आधी हेल्थ गई तो क्या होगा। अरे भाई यहाँ पे एक ये मर गया होगा। तो भाई मैं आपको अपना घर टूर दिखा रहा था। भाई बाहर से जगह घर दिख रहा है, ओपी दिख रहा है भाई, ओपी। इसके एंट्रेंस है इधर से, ऊपर से बटन दबाता हूँ, अंदर घुस गए। क्या मजाक है भाई। और भाई मैंने दरवाजे भी आयरन की उसकी है जो भाई बहुत अच्छा लुक दे रहे हैं स्टोन के साथ। यार मैं जाने जा रहा हूँ, ये जाने नहीं दे रहे, क्या हो रहा है भाई, गेम चीटिंग कर रहा है मेरे साथ। हाँ अभी हो गया। तो भाई यहाँ पे आते चेस्ट, फिर आपको दिखाता हूँ। देखो भाई गोल्ड डायमंड ज़्यादा नहीं, डायमंड मिला नहीं यार, मैं सोच रहा डायमंड मिलेगा, डायमंड नहीं मिला मुझे। इतना आयरन, इतना सारा कोल, चारकोल, भाई जो मज़ा आया ना आज माइन करने में। फिर यहाँ पे वेपन्स, यहाँ पे वेपन्स रखेंगे, यहाँ पे सब काम की चीज़ रखेंगे, बिल्डिंग की मटेरियल्स, और यहाँ पे खाने की चीज़ें रखेंगे। ये दोनों का भी सोचा नहीं है, धीरे धीरे भर जाएगी चेस्ट। यहाँ पे मेरा वर्किंग प्लेस है, यहाँ पे मैंने क्राफ्टिंग टेबल, 2 फर्नेस और 2 स्मोकर रखा है। फिर यहाँ पे मेरा एक बेड है। भाई आपने आपके भाई ने क्या डिज़ाइन किया है घर ना, अच्छा लगा तो कमेंट और लाइक ज़रूर करके जाना भाई, है ना। तो चलो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कर देना और शेयर कर देना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। भाई मैं ऐसे ही माइनक्राफ्ट के अच्छे अच्छे वीडियोज़ लेके आऊँगा, तो मिलता है आपको नेक्स्ट एपिसोड में, जिसमें शायद से हम लोग डायमंड की खोज में जाने वाले हैं, क्योंकि भाई हमारे पास डायमंड्स दो ही है, को ज़्यादा डायमंड्स लगेंगे तो भाई फिर मज़ा ही आ जाएगा, ज़्यादा डायमंड्स आ जाएंगे। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और स्टे होम स्टे सेफ।